हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेताज किचन। तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रॉबेरी से बनने वाले डिफरेंट डिफरेंट डिज़र्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस होने वाले हैं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही हम इसे बनाने वाले हैं। और इसमें मैं सारी टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ पे मैंने ली है कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरी और इसको अभी हमें अच्छे से कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक बॉल और इसमें अब हम डाल देते हैं ये व्हिप क्रीम। तो यहाँ पे मैं एक कप व्हिप क्रीम ले रही हूँ और इसको हमें अच्छे से बीट करना होगा और ये चिल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ट्रोपोलाइट प्रीमियम ब्रांड की व्हिप क्रीम ली है। आप कोई भी नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं। अब बीटर की हेल्प से इसको अच्छे से बीट कर लेते हैं जब तक कि थोड़ा सा स्टीफ पीक नहीं आ जाता क्रीम में। तो इसे बीट करने के लिए 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है और इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। देखिए, स्पैचुला से नीचे नहीं गिर रही है। और यहाँ पे अब मैं इसके 2 पार्ट कर रही हूँ क्योंकि हमें 2 डिफरेंट डेजर्ट बनाने हैं इसीलिए। और यहाँ पे इस क्रीम में अब हम ऐड कर देते हैं ये स्ट्रॉबेरी का क्रश। तो यहाँ पे आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 1 टेबल स्पून जितना इसमें स्ट्रॉबेरी का क्रश ऐड कर रही हूँ अच्छे से फ्लेवर के लिए। और साथ में 1 ड्रॉप पिंक कलर हम इसमें ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्कीप कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये थोड़ी लाइट पिंक कलर की क्रीम हमारी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी क्रीम रेडी हो गई है। अब इस क्रीम को हम ये पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 mm का नोज़ल लिया है और इसको अब हम इस तरह से फिल करेंगे। इससे हाथ भी गंदे नहीं होंगे और क्रीम भी अच्छे से फिल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको पहले कर लेना है। अब इस पाइपिंग बैग को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे और क्रीम को ऐसे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पाइपिंग बैग रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं ग्लास। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट लेयर में लगाएंगे ये क्रीम और सेकेंड लेयर में हम डालेंगे यहाँ पे कट की हुई स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी क्वांटिटी में ये स्ट्रॉबेरी डालना है और उसके बाद इसमें हम थर्ड लेयर में डालेंगे ये स्ट्रॉबेरी क्रश। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे ये 1 स्कूप स्ट्रॉबेरी ही आइसक्रीम और उसके बाद में यहाँ पे हम ऊपर से ये क्रीम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा डिलीशियस है स्ट्रॉबेरी विद आइसक्रीम एंड क्रीम डेजर्ट बनकर के रेडी हो गया है, जो कि बहुत ही टेम्पटिंग है और बहुत ही खाने में टेस्टी होता है। और इसके ऊपर थोड़े से स्ट्रॉबेरी के पीसेस हम डाल करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये ग्लास डेजर्ट का देख सकते हैं, ये बहुत ही टेम्पटिंग है। हमने अच्छी खासी क्वान्टिटी में इसमें स्ट्रॉबेरी डाली है जो कि बहुत ही नेचुरल टेस्ट देता है। और इस तरह का ग्लास आपको मैप्रो में भी मिल जाएगा जो कि वहाँ का फेमस है। अब हम बनाने जा रहे हैं दूसरे डेजर्ट की रेसिपी, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो यहाँ पे जो कट की हुई स्ट्रॉबेरी बची थी वो सारी ही हम इस जार में ऐड कर देंगे और साथ में हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ये व्हिप क्रीम जो हमने अलग से निकाल के रखी हुई थी। इससे रिचनेस भी बहुत अच्छी आएगी और थिकनेस भी बहुत अच्छी आएगी। तो 2 चम्मच हमें इसमें ऐड करना है और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून जितना स्ट्रॉबेरी का क्रश। उसके बाद इसमें 1 स्कूप स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप वनीला आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 चम्मच चीनी और उसके साथ यहाँ पे जाएगा 1/4 कप मिल्क। तो यहाँ मिल्क और चीनी की क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से हमें चर्न कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक रेडी हो गया है। अब हम सर्व करने के लिए ले लेते हैं यहाँ पे ग्लास और इसमें अब हम निकाल लेंगे। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इसके रिचनेस देख सकते हैं और ये उतना ही टेम्पटिंग और टेस्टी है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे ये जो क्रीम थी ये अप्लाई कर देंगे। तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिलीशियस स्ट्रॉबेरी का थिक शेक बनकर के रेडी हो गया है। अब इसे स्ट्रॉबेरी से हम इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये मिल्क शेक रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे आप रेस्टोरेंट जैसा ही स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक घर में इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ये थिक शेक आपको कैसे बनाना है उसकी भी मैंने सीक्रेट्स आपके साथ में शेयर किए हैं। तो ये दोनों ही डेजर्ट बहुत ही टेम्पटिंग बने हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसकी सारी टिप्स मैंने आपके साथ में शेयर कर दिए हैं। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।